यू नो मिस्टर बागली, मैं जानती हूँ आप उस तरह के इंसान नहीं हैं, लेकिन क्या है ना, अवर वर्ल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम। दुनिया में लड़कियाँ पैदा होते ही उसे ये कहा जाता है कि तुम किचन संभालो, जबकि वो पूरी दुनिया संभालने की ताकत रखती है। आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन अगर औरतों को रिप्रेजेंटेटिव करने की बात आती है और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बस ये कहूँगी, दसानी पर सब मिलकर ये कहिएगा कि मुझे उनके मुकाबले कम ना आंके। अगर उनसे ज़्यादा नहीं समझ सकते ना सही, लेकिन उनसे कम समझने की भी गलती ना करें। हीरो मिस्टर बागले, ये जो लड़कों और लड़की के बीच का फ़र्क है ना, एक्चुअली ये फ़र्क ही हमें बताता है कि लड़कियाँ लड़कों से कितनी ज़्यादा बेहतर हैं। आपने वो जोक सुना है, वो जिन वाला? मैं बताती हूँ। एक दिन एक लड़के को एक जिन मिलता है और वो जिन लड़के को कहता है, हुकुम मेरे आका, क्या विश है आपकी? तो लड़का जिन को कहता है कि मुझे उसके मुकाबले उससे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दो। जानते हो जिन क्या करता है? जिन उस लड़के को औरत बना देता है। जी हाँ, औरत। कहने के लिए तो ये सिर्फ एक जोक है ना, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो यही सच्चाई है। और मैं सिर्फ अक्ल की बात नहीं कर रही हूँ, द सेंसिटिविटी दैट वुमन हैव, अगर यही सेंसिटिविटी मर्दों के पास होती तो ये जो देश डिफेंस को पीछे करने में खर्चा करता है, लेकिन उसके सामने देश की प्रजा तो भूखी है, उसका कुछ नहीं। देश के डिफेंस का खर्चा कम, साथ साथ देश की प्रजा की भूख, दोनों ज़रूरी है ना। एनीवेज मिस्टर वागले, ये सब दुनिया की बातें छोड़िए, अब से आप और मैं, हम दोनों हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर और दिमाग से दिमाग मिलाकर मेरी इस कुरियर कंपनी को उस लेवल तक, उस ऊंचाई पर लेके जाएंगे जहाँ तक शायद मेरे पापा ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। राइट? Nice to meet you, Mr. Wagley. Have a good day.